लेक्चरशिप में आप सभी बच्चों को मैंने कुछ समझाया था व्हाट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो ये शो करता है कि पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशंस क्या-क्या हो रही है, यानी कि फर्म जो है अपने प्रॉफिट में प्रॉफिट को किस-किस नाम से किस-किस आइटम से क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एप्रोप्रिएशन का सिंपल मतलब है डिफरेंट नेम्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को अलग-अलग नामों से क्या करना, बांटना। लेकिन ध्यान रखना, आप सभी बच्चों को मैंने समझाया था एप्रोप्रिएशंस में एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम एप्रोप्रिएशन की डिस्कशन करते हैं तो सर एप्रोप्रिएशन तभी करते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट है। दो बातें समझाई थी, एक था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जो इवन इन केस ऑफ लॉस, जो लॉस के केस में भी क्या करा जाता है बच्चों बताओ, दिया जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे अदरवाइज नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आपको एग्जांपल बताए थे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस, ये सब क्या है आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बात आ रही है, समझ से नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। यानी कि पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें, और उसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं जर्नलिज्म भी आपका क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब एक बात आपको मैंने समझाई थी, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी है हम उन बातों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसके अनुसार चलेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके अनुसार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, बोलो बच्चों। जब और जो और अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है किस रेट से, एट रेट 6% पर एना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। बात आ रही, समझिए नहीं आ रही। और प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है फटाफट बताओ सारे बच्चे, हाउ द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, इधर देखो, जब कभी भी आप क्या बना रहे हो P&L appropriation account, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको by profit and loss account जो लेना होता है, ये आपको लेना होता है after deducting all charges, आपको सारे के सारे charges को क्या करना है, minus करना है charge against profit को। अब charge against profit कौन कौन सा है, interest on loan या फिर rent payable to a partner। बात आ रही है, समझ से नहीं आ रही, या जो चीजें हमारे employee से related थी या जो चीजें हमारे P&L में जाती थी, और फिर यहाँ पर डेबिट साइड में हम सारी एप्रोप्रिएशन करके डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देते थे, और क्रेडिट साइड में आईओडी भी आता था। तो ज्यादा बेटर है कि सर मैं दोबारा कॉन्सेप्ट समझाऊं, इससे ज्यादा बेटर है कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा दूं और उन क्वेश्चन के थ्रू हम आगे चलें। तो जल्दी से कोई बच्चा मुझे बुक दे दीजिए जो भी आपकी लेटेस्ट होगी, बेटा गेट बंद कर दो। हाँ जी, फटाफट बच्चों मेरे को बुक दे दो भाई, लेटेस्ट वाली किताब जो है आपके पास, ला भाई हर्ष तेरी किताब चल रही थी तो दे दे अपनी बुक फटाफट, ठीक है बच्चों। जो भी मैं क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा उसको हम क्लास वर्क का नाम देंगे, जो भी क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए जाएंगे उसको होमवर्क का नाम देंगे। एंड कल बच्चों मैं यूट्यूब पे लाइव गया था, आप आए थे या नहीं आए थे, मैंने सैंपल पेपर सोल्व कराया था बच्चों आप लोगों को, एक सैंपल पेपर अभी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे मुझे उसमें, एनपीओ के दोनों क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन थे बच्चों, देख लेना। अभी मैंने उसको अनलिस्ट वगैरह नहीं करा है, तो जब भी YouTube पे लाइव जाता हूँ तो तभी क्लास देख लिया करो, बात का कोई कंफर्म नहीं है कि भैया बाद में वो वीडियो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है जी सर। तो बच्चों अभी आज जाकर उसको देख लेना, आज मतलब मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, और बाकी जो है 15 तक मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ। CBSE का लेटेस्ट सैंपल पेपर है, बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है, जो आपका टेस्ट हुआ था पहला जो टेस्ट मैंने लिया था बच्चों, और एनपीओ का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया हुआ है उसमें, और तो मतलब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों जी सर। तो बच्चों मैं आपको कुछ समझा रहा था, एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें 3-4 बातें हमें देखने को मिले, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तो पेपर में आने का चांस ही नहीं होता, ये 11th क्लास की बातें हैं, बट फिर भी टाइम बचेगा तो लास्ट में हम इसको देख लेंगे, ठीक है सर। तो हम ऐसा करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19 सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 9 जल्दी से सभी बच्चे इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये फायदा भी हो रहा है कि साथ साथ में आपका इंपॉर्टेंट भी मार्क करवा, एक जरा पहन दे तो भाई मुझे कोई, हाँ जी
कोई दिक्कत नहीं है, इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लो सर, पढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटा हम टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं 2020 एडिशन, ये रही बुक आपके सामने। चलो जी सर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2019। तो बेटा यहाँ पर वर्ड कौन सा लाइन कर लीजिए, स्टार्टेड, ठीक है सर। आगे चलते हैं, विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख, कितने की कैपिटल है बच्चे बताओ, 3 लाख और 2 लाख। बात आ रही है समझ ही नहीं आ रही, जल्दी से आओ, एक मिनट खड़ा हो, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है बच्चों, बात आ रही समझ। इसको यहाँ पर पकड़ एक बार ट्राई करके देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से, हाँ चलो बच्चों कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, ठीक है बच्चों जी सर। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, 6 मिनट पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलो जी सर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन की रीडिंग। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2019। तो स्टार्टेड वर्ड कौन सा लाइन कर लो, स्टार्टेड का मतलब है नया नया बिजनेस शुरू करा है, पहले से बिजनेस चल नहीं रहा है, 3 लाख और 2 लाख की कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी कि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है। निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, निहार को मिलेगी सैलरी 5000 रुपए पर मंथ। बेटा मतलब डीड बना के बैठे हैं, अब डीड को पढ़ते हैं कि उनके बीच में क्या क्या बातें हो रखी है। एक बात बताओ सारे बच्चे मेरी तरफ देखो, जो पार्टनरशिप डीड कहेगी वो मानना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसकी बात मानेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सिंपल सी बात है। अब डीड क्या कह रही है पढ़ के तो पता चलेगा। तो डीड के अनुसार हमें पता चला है कि भाई साहब निहार को मिलनी है सैलरी, ठीक है, असीम को मिलेगी कमीशन, तो निहार को मिलेगी सैलरी, ठीक है। असीम नाम का कोई व्यक्ति है, इसको क्या मिलने वाला है, 10% कमीशन। देखो सभी बच्चे ध्यान से समझो, अब इसको 10% कमीशन निकलेगी कैसे ये पढ़ो, ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। लो जी सर, तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है एट द रेट 6% पर एनम। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ सर। जो असीम को कमीशन मिलनी है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, ठीक है। तो इसको नेट प्रॉफिट में से क्या घटा देंगे हम, सैलरी टू निहार, निहार को सैलरी देने के बाद। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इस बात को, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर कमीशन मिले आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो क्या लग रहा है बच्चों बताओ, ध्यान से समझो, या तो फुल स्टॉप दे के आगे बात करता, एंड का मतलब जो सेंटेंस है वो स्टार्टिंग से क्या चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो इसका मतलब है जो असीम को 10% की कमीशन मिलेगी उस प्रॉफिट पर मिलेगी आफ्टर अलाउइंग टू सैलरी टू निहार, निहार को सैलरी देने के बाद और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों। चलो जी बाकी देख लेते हैं, तो लैंग्वेज का भी थोड़ा ध्यान रखना है, इंग्लिश की तो बच्चों हर जगह इंपॉर्टेंस है, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे इको चाहे कुछ भी हो, कई बार हम लैंग्वेज अलग समझ जाते हैं, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, अच्छी बात है सर जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है। चलो जी सर ये बातें हमारी समझ में तो आ गई हैं। और ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख का, तो बच्चों मैं फर्म के प्रॉफिट को 2.5 लाख को मैं यहां पर लिख सकता हूं। आगे चलो, असीम है, देखो क्वेश्चन मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लगाया क्योंकि एक तो क्वेश्चन लेंथी है, दूसरा जर्नल एंट्रीज भी है, दूसरा क्या मांगी है जर्नल। तो बच्चों मैं फास्ट ट्रैक बैच है या मान लो एक तरीके से सारे रिवाइज करा रहा हूं, तो सारे क्वेश्चंस नहीं कवर करेंगे, क्वेश्चंस वो कवर करेंगे जिसमें सारी बातें कवर हो सके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन में काफी सारे पॉइंट्स आपको मिल भी रहे हैं और मेन पॉइंट क्या है, इसमें जनरल एंट्री आपकी कवर हो रही है। असीम ने लोन दिया है 1 लाख का फॉर्म को, वो भी 1 अप्रैल 2019 को। लो जी, तो 1st अप्रैल 2019 को असीम ने लोन दे रखा है, बताइए कितने का लोन दिया है, फटाफट लोन दिया है सर जी 1 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग भी बात हो रखी है, बताइए सारे बच्चे किस रेट से, 8% पर एनम, ठीक है सर जी। सर निहार वाज गिवन, भाई साहब ढंग से पढ़ो, निहार वाज गिवन
अरे भाई बातें मत करो, भाई बातें मत करो। निहार वाज गिवन लोन ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज। देखो लैंग्वेज पढ़ो भाई, ये तो मतलब मजे लेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। निहार वाज गिवन, निहार को लोन दिया गया, निहार ने नहीं दिया, बोलो निहार को भी बिजनेस ने लोन दिया है, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज 11%। तो भैया बिजनेस ने क्या कर रखा था, निहार को क्या कर रखा है, लोन दे रखा है, और इस लोन पर क्या मिल रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, एक नया पॉइंट आ गया, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। बोलो हाँ है ना। ठीक है सर, आगे की डिस्कशन। मैनेजर वाज टू बी अलाउड, मैनेजर को कमीशन मिलनी है, कितने रुपए की? 3000 रुपए की। ठीक है सर, जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जर्नल एंट्री बनाओ प्रॉफिट को बांटने के लिए, एंड प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके अलावा फॉर्म क्या कह रहा है कि अपनी किताबें फॉर्म क्लोज कर रहा है। फटाफट बताओ कब एक फॉर्म अपनी किताबें क्लोज कर रहा है? 31 मार्च। जवाब दो फटाफट, बोलो। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, करना सॉल्व करना स्टार्ट करो। सैलरी बताओ पहले कितनी है पार्टनर की, सैलरी मिली निहार को, टू निहार सैलरी 5000 पर मंथ, तो 5000 × 12 कितना आ जाएगा? 60000। ठीक है भाई साहब, बोलो। अभी इस नेट प्रॉफिट को पहले सही कर लेते, 2.5 लाख रुपए तो बिफोर एनी आइटम है ना, कहाँ है? ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म आर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख। ठीक है, एक को लोन वोन भी दे रखा है, तो बताइए सारे बच्चे, तो 2.5 लाख में पहले एडजस्टमेंट कर लो। बताओ सबसे पहले इसी वाले काम को करा करो, एक पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस देगा। ठीक है बच्चों, बताओ इंटरेस्ट ऑन, देखो असीम ने लोन दिया था हमें कितने का, 1 लाख रुपए का, किस रेट पर है बच्चों, बताओ 8%। तो ये निकालो सारा बच्चे, या चाहो तो आप वर्किंग नोट में निकाल सकते हो ऐसे, इंटरेस्ट ऑन लोन असीम को, जो हमारे लिए एक्सपेंसिस वाला कॉन्सेप्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बताइए कितने का बनेगा? 1 लाख रुपए पर 8%। कितनी तारीख को है? 1 अप्रैल। और ये हमारा कब के लिए बन रहा है, फटाफट बताओ सारे बच्चे, क्वेश्चन साइलेंट है, किताबें लास्ट में 31 मार्च को क्लोज हो रही है, तो 31 मार्च 20 को ही बना रहे हैं इसको। जल्दी से बताओ सभी बच्चे कितना बनेगा पूरे साल का, बोलो भाई। तो ये वर्किंग नोट की कैलकुलेशन अगर आप दिखाओगे पेपर में तो बढ़िया रहेगा, ये सब चीजें ना भी लिखोगे तो चलेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। तो क्वेश्चन लेंथी था, उसमें आप लिख भी सकते हो कई बार, वरना बार बार पढ़ना पड़ता है, टाइम और ज्यादा लग जाता है। तो 2.5 लाख में से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया, क्यों माइनस कर दिया बताओ सारे बच्चे, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट। बात आई समझ गया नहीं आई, बोलो। देखो आपको एक चीज दिख रही है, मैनेजर की कमीशन भी दे रखी है, तो आप चाहो तो मैनेजर की कमीशन भी यहीं से हटा दो, बोलो। मैनेजर की कमीशन हमें पीएनएल अकाउंट में ले जानी होती है, या तो कौन सा अकाउंट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं पीएनएल अकाउंट बनाता तो 2.5 लाख रुपए इधर लिख के, और फिर लिखता इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर लिखता मैनेजर की कमीशन। नहीं आई बात समझ? जो आइटम पार्टनर से रिलेटेड नहीं है उसको हम किसके थ्रू डील करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो चार्जेज हो चाहे वो इनकम। ठीक है बच्चों, बोलो। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है आप लोगों का, निहार को जो हमने 2 लाख रुपए का लोन दिया है, जिस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज करा है, बताओ सारे बच्चे कितने का इंटरेस्ट चार्ज किया है? 11000 का। तो 11000 हमारी कमाई बनेगी, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, बोलो बच्चों। ये हमारी कमाई है, अलग से मत दिखाना, इधर देखो, या तो आप इसको ऐसे करो पेपर में चलेगा, और अगर आप इसको ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप पेपर में क्या कर लेना, पीएनएल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में मांग लिया पीएनएल, ध्यान से समझ लो, तो बाय नेट प्रॉफिट जो भी आपको गिवन है, जो गिवन नेट प्रॉफिट है, उसको अब बिफोर एनी आइटम, तो 2.5 लाख रुपए है, जल्दी से बताओ। अब इस 2.5 लाख में से माइनस माइनस कर दो जो जो चीजें देनी है, जो हमारे खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, असीम का, फटाफट बताओ असीम का कितना बनेगा, 8000। उसके अलावा मैनेजर की कमीशन कितनी है, 3000, और एक कमाई है, एक बंदे को फॉर्म ने लोन दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो सारे बच्चे, पता नहीं आजकल अच्छे क्वेश्चन ही क्यों उठाए जा रहे हैं। देखो आप पेपर में देखोगे, कल जो 2 क्वेश्चंस मैंने एनपीओ के कराए हैं, आप क्या होगा, उसमें एक एक नंबर के भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारी कमाई हुई है, बताइए सारे बच्चे किससे, किसको हमने लोन दिया था, निहार को, तो निहार से कमाई वो कह रहा है भाई 11000 रुपए का। तो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 2,61,000 में से
ये सब माइनस करके 11,000 माइनस करके 250,000 रुपए का कुछ ऐसे आप कर सकते थे। वरना आपकी मर्जी है, या तो यहीं पर कर लो कैलकुलेशन, बोलो भाई, वरना तो कैलकुलेशन आप कहां कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो यहीं पर कर लेते हैं, 2.5 लाख, 11 तो याद है, 2.5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर सारे की सारे कर दीजिए। अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन कौन कौन सी है बताइए क्वेश्चन में। एक तो निहार की सैलरी, एक देना है कमीशन, तो असीम का कमीशन, असीम का कमीशन बताओ कितना है। सर सैलरी निहार भी यार बहुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात, तो चलो इसको बाद में कर लेंगे, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। फटाफट बताओ कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%। अगर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जाओ तो पता है आपको कि दोनों ने कैपिटल कितने की लगाई है, 3 लाख और 2 लाख कैपिटल लगी है आपकी, 3 लाख और 2 लाख। तो बताइए सारे बच्चे 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, असीम का और निहार का 3 लाख का कितने परसेंट, 6%, 18,000 और 12,000, 18 और 12, 30,000, ठीक है बच्चों जी। सर अब हम निकालते हैं किसकी कमीशन, असीम की, कितने परसेंट है असीम की कमीशन, 10%। कौन से प्रॉफिट पर, जो भी हमारा प्रॉफिट में से क्या माइनस करके, ये दोनों माइनस करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। बोलो बच्चों, तो 2.5 में से 90,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,60,000, 1,60,000 का 10%, 16,000, ठीक है बच्चों। इसको एक बार देख लेते हैं कहीं सही है या नहीं, अगर लैंग्वेज गलत पकड़ी होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो कमीशन असीम की जो कैपिटल है वो 19,000 की है। अब उन्होंने 19,000 की कैसे निकाली है, 2.5 लाख में से खाली क्या माइनस करा है, 60,000। बोलो अब इंग्लिश वाली बात आ गई, ध्यान से समझ लेना, 2.5 में से क्या घटाया है, 60, कितना आ गया, 1,90,000। बोलो और 1,90,000 का कितना परसेंट कमीशन जो है, 10% है। तो दोबारा से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर देखते हैं सेंटेंस की इंटरप्रिटेशन क्या है, और फिर इंग्लिश वाले टीचर से पूछ के बताऊंगा। लो जी, हाँ जी प्रांजल सर से पूछूंगा, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी भाई, अकाउंटिंग ठीक है लेकिन इंग्लिश में दिक्कत आ रही, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डील निहार इज टू गेट सैलरी, ठीक है, असीम इज टू गेट 10%, तुम भी पढ़ो यार, तुम भी तेज हो पढ़ने में। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। देखो बच्चों, मतलब अगर हम वैसे जाएं, अगर हम लॉजिकली जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से चलें, तो अगर एंड मतलब कहीं पर भी कॉमा वगैरह कुछ है नहीं, तो फिर वहां पर क्या चलता है कि एंड लग रहा है तो सेंटेंस क्या चलता है, कंटिन्यूएशन में ही रहता है। बोलो यार, अब लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा रीड करें हम, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है एंड, फिर वो मतलब एंड खत्म तो नहीं, लेकिन आगे तुम पढ़ोगे तो ऐसा लगे थोड़ा फ्लो अलग है, कुछ अलग चीज की डिस्कशन कर रहा है। अगर पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकाले, कहता है एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, बात आ रही, समझे नहीं आ रही, तो मतलब कुछ रीड करके ऐसे फील आ रही है कि जो है क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट की एक अलग बात बता रहा है। बोलो बच्चों, तो पेपर में अगर कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो भी इंटरप्रिटेशन निकालो आप उसके अनुसार क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। बात है, हाँ हिंदी में भी लिखा रहता है बट कई बार हिंदी वाली बातें भी समझ नहीं आती है। चलो जी बच्चों, तो अभी हम ऐसा करते हैं जैसे बुक में है उसी के हिसाब से कर लेते हैं, ऐसा मानते हुए कि जो है उन्होंने कहा है कि जो असीम को 10% कमीशन मिलेगी वो नेट प्रॉफिट में से किसकी सैलरी घटाकर निहार की, और इंटरेस्ट क्या करोगे तो एक जनरल बात बता रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली कैलकुलेशन हमारे 2.5 लाख में से खाली सैलरी घटाएंगे तो 60,000, तो 1,90,000 का 10% माइनस करेंगे तो 19,000, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आया कुछ या नहीं आया, जल्दी से बताओ सारे बच्चे भी। सर कुछ रह तो नहीं गया, बताओ, सैलरी मिल गई है, कमीशन मिल गई है, इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है भाई साहब, प्रॉफिट की डिस्कशन अब बांट लेते हैं। मैनेजर कमीशन वगैरह बेटा, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये जो आप अप्रोप्रिएशन कर रहे हो
ये इतना भी ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बोलो, अगर ये 2.5 लाख से ज्यादा हो गई तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही खराब हो गई। फिर कोई एक अलग तरीका होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं उसमें। कोई अलग कॉन्सेप्ट आएगा जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, अवेलेबल प्रॉफिट से, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर आप सारे बच्चे समझो 2.5 लाख है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो मैं appropriations कर रहा हूं, वो मेरी available profit से ज्यादा तो नहीं है। तो इतना अंदाजा लग ही रहा है, 90, 90, 1 लाख, 1 लाख 9 हजार समथिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, क्योंकि appropriation का concept क्या समझाया, appropriation का मतलब है profit होगा तो देंगे, profit नहीं होगा तो नहीं। तेरे को हर्ष नहीं दिख रहा तो इधर बैठ जाओ। हाँ जी, चलो आप इसको वो कर लीजिए, सोल टोटल टोटल करके वहां घटा है। अच्छा क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक ही क्वेश्चन में काफी सारी बातें सीख ली, बातें नहीं लेकिन अभी और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जर्नल एंट्रीज, टू डिविजिबल प्रॉफिट। यार तू बातें मत करा करो यार, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। डिविजिबल प्रॉफिट बताइए, जब तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। तुम्हें पता है क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, उसके बावजूद तुम लोग बातें कर रहे हो। तो 2.5 में से इसे माइनस कर दो, 60, 30, 90, 90 और 10, 100, 1,09,000। 2.5 लाख में से 1,09,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 5, 10, 9 हो गए 4। अब इस 1,41,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ? क्या रेशियो दे रखा? 3:2, बांटो से बांटो, तो 1,41,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5, 5 के बाद में 5 × 10 = 4, 5 × 8 = 40, 5 × 10 = 4, 5 × 8 = 40 बचा है 1, 5 × 10 = 10, 2, 1, 2, 3 × 6, 3 × 0 = 3, 3 × 6, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 8, और 3 × 6 = 8, 84,600। अगला बताओ सारे बच्चे, वैसे पेपर में इतना लेंथी नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगर जनरल भी मांग ली तो एक क्वेश्चन तो 6 नंबर से भी ज्यादा रखा होगा। या तो जनरल ही मांगेगा या फिर क्या मांगेगा, 4 नंबर में आता है, हां, या फिर ये वाला चैप्टर नहीं, ये वाला क्वेश्चन, हां, इसका क्वेश्चन बन जाता है, इसके साथ गारंटी मिक्सअप करके 6 नंबर का बन जाता है अगर गारंटी मिला देता है तो। वैसे कई बार 4 का भी देते हैं, अगर खाली सिंपल आएगा तो 3 या 4 में मिलेगा। बताओ सारे बच्चे, 2/5 सीधा मान लेते हैं इसको, हाँ कर लो ना आप भी, 2×16 = 2×4 = 5। सर ये कर दो वो कर दो, हम ना करें कुछ भी, ठीक है सर? अब यहाँ पर टोटल करके भी आप देख सकते हो, 0, 0, 6 और 4, 10, 6 और 4, 10, 11, 8, 5, 13, 14। आप एग्जाम्पल इसलिए कर जाते हैं कि हमें साथ के साथ पता भी चलता रहे कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? इतना ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है कि अब हम एक एक क्वेश्चन करें, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। और एक एक क्वेश्चन करना मूर्खता होती है अकाउंट्स में, स्टार्टिंग में तो हमें इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे पास और कुछ होता ही नहीं करने के लिए। लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अब एक बात, उसमें क्या रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हमें पता है 4 सारे के सारे क्या होने हैं, माइनस, एप्रोप्रिएशन सारे के सारे कहाँ जानी है, डेबिट साइड। बोलो भाई, और जो कुछ, जैसे कि ये वाला एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा इसमें, जो हमने लोन दिया था, ध्यान से समझो, जो हमने क्या करा था, लोन दिया था, और इस लोन पर जो हमारी कमाई हुई है, फर्म ने लोन दे रखा है, उससे पार्टनर फर्म क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। बोलो, तो उसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, उसको हम कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। एक चीज और आ सकती थी, अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो अब मैं कराऊंगा इसकी जनरल एडजस्टमेंट आपस में क्लियर आउट हो गए। हाँ, अब वो तो हो गई, हुई तो एक अलग चीज हो, तो जमा घटा वाली बात है, उससे क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। अगर नहीं होती तो कौन सी, तो नेट को, यार ऑब्वियस सी बात है, इसमें से जमा घटा करके जो आता वही तो लिखता, तो अब इसमें ये क्या क्वेश्चन है बताओ, नहीं होती क्या उसका क्या, ये तो जमा घटा वाली चीज है। तुझे ये समझना है कि ये माइनस क्यों हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है इसलिए माइनस, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस की कमाई है और P&L में जानी थी, ऐसे नहीं करना था, ऐसे कर लेते तो भी अल्टीमेट ही नहीं आता। लेकिन ऐसा कुछ रूल मत बना लेना कि यही सेम आएगा हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अपनी तरफ से वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है। फिर इसके बाद ये क्या हो गई, अप्रोप्रिएशन
ये क्या हो गई अप्रोप्रिएशन, ये क्या हो गई अप्रोप्रिएशन, ये निकल कर आ गया डिसेबल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, तो पहले आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए और अब सिखाऊंगा आपको जर्नल एंट्रीज। तो अब जर्नल एंट्रीज आजकल एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट है, ध्यान रखना, एग्जामिनर को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल जर्नल एंट्रीज पूछने का, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस करता नहीं है। तो अब अगर आपको इस वाले क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज आ गई, तो आप ये मान लो कि आपको इस चैप्टर में सारी जनरल एंट्रीज आ गई, क्योंकि इसमें कुछ जनरल एंट्रीज कौन सी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली है, और कुछ जनरल एंट्रीज कौन सी वाली है आपकी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की भी है। उसके अलावा और एंट्री भी मैं आपको बता दूंगा, लोन लेने की, लोन देने वगैरह की वाली एंट्री की हम डिस्कशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, बताओ अगर हम स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं, बताइए ये आपके सामने क्वेश्चन है, अगर हम स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं तो बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने लोन ले रखा है अगर इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, ये तो लास्ट टाइम भी सिखाया था मैंने आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और टू किसको देना है ये इंटरेस्ट जल्दी से बताओ, हम लोग देंगे किसको देंगे असीम को, असीम ने हमें इंटरेस्ट दिया था, तो आप इसको कहां डाल लोगे असीम लोन में। ठीक है बच्चों बताओ, जी सर, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी ये इंटरेस्ट ड्यू, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ड्यू है हमने पे नहीं करा है। इसके बाद बताओ मैनेजर की कमीशन है, तो मैनेजर की कमीशन की आप क्या एंट्री बनाओगे, सिंपली बताओ सारे बच्चे, अगर मैं इसकी डायरेक्टली एंट्री बनाऊं तो क्या एंट्री होगी। सर एक काम करते हैं सीधा ही बना दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और टू मैनेजर कमीशन। ठीक है बच्चों बात आ गई समझ, जी सर, तो पी एंड एल डेबिट टू मैनेजर कमीशन। इसके बाद अगर हम अपनी डिस्कशन करते हैं, जल्दी से बताओ सभी बच्चे आगे की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो अब क्या होगा, इसके बाद की कहानी बताओ। सर एक काम करो, ये वाला जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है उसकी भी एंट्री बना लो, किससे लेना है, 11,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन लेना भी है, किससे लेना है निहार से, तो हमें निहार से लेना है, तो हम अगर दो एंट्री बनाए तो हम निहार को डेबिट कर सकते हैं, या फिर सीधा ऐसे एंट्री बना दो निहार के लोन में ही डेबिट कर दो। बोलो यार, जब निहार को लोन दिया था तो क्या करा था, एसेट बनाया था, और टू क्या कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो हमारी कमाई की एंट्री है। चलो जी सर कितने रुपए की है, 11,000 रुपए की। अब ये तो एंट्री वैसी बनाए, अब ऐसा करो इनको पहले ट्रांसफर करके क्लोज करके खत्म करो, बताइए कौन सी चीज कहां ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर करके क्लोज करके खत्म करो, जल्दी से बताइए कौन सी चीज कहां जाने वाली है। ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है बच्चों बताओ, उसके अलावा बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और बताइए क्या आएगा उसके अलावा। मैनेजर कमीशन तो हमने डाल दी है और इसकी नेचर ही अलग है तो वो अलग से एंट्री बनेगी। ठीक है बच्चों बोलो भाई, ये वाला एक्सपेंसेस वाले को हमने ऐसे ट्रांसफर करा, एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या है डेबिट है, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे क्रेडिट, तो पी एंड एल क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही, जी सर समझ आ रही है तो अच्छी बात है, समझ नहीं आ रही है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, फिर से पूछिए। अब इस वाले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, जो कमाई थी तो इसकी हम क्या एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट और टू पी एंड एल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, कितने का आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है जल्दी से बताओ, है 11,000। नरेशन तो लिख लोगे ना भाई, ये दोनों एंट्री ट्रांसफर है, ये एक एक्सपेंसेस ट्रांसफर करने की एंट्री है और एक एंट्री आपकी इनकम ट्रांसफर करने की एंट्री है। बोलो बच्चों भाई गेट बंद कर दीजिए, तो एक्सपेंसेस ट्रांसफर करने की एंट्री समझ में आ जाती है, जी सर, इनकम ट्रांसफर करने की एंट्री समझ आ जाती है, जी सर, कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें अपने एक्सपेंसेस और इनकम को क्लोज करना होता है सो दैट कि हम बिजनेस का नेट रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सके, और इसीलिए जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे क्लोज होते हैं, हमारे किसके थ्रू क्लोज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप 12th के बच्चे हो तो आपको ये एंट्री समझ में आनी चाहिए विद लॉजिक्स, 11th में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती भी थी, दोबारा बता रहा हूँ
इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है क्योंकि लोन लिया था, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। असीम को देना है हमें इंटरेस्ट, तो असीम के लोन में डाल दिया हमने, तो हमने पे नहीं करा, अभी ड्यू हुआ है मान रहे, क्योंकि सेम डेट ड्यू और सेम डेट पेमेंट नहीं होती, पेमेंट में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसके बाद ये इंटरेस्ट, अच्छा मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन लास्ट आइटम होता था पीएनएल का, जब आप दो सारे बच्चे सारे आइटम करने के बाद जब नेट प्रॉफिट निकलता था फिर उस पर एक परसेंटेज निकालते थे, तो हम मैनेजर कमीशन करते थे, तो मैनेजर कमीशन में हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लॉजिकली समझो पीएनएल क्या हो रहा है, डेबिट, और टू क्या हो रहा है मैनेज। ये मैनेजर कमीशन भी अगर बैलेंस शीट में दिखाओगे तो ये लायबिलिटी साइड पड़ी रहेगी, अभी मैनेजर कमीशन भी हमने हैंड टू हैंड पे नहीं करी है। इसके बाद बात करते हैं, निहार को हमने लोन दिया था, तो लैंग्वेज भी थी इस क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट भी थी, क्वांटिटी भी थी, सब कुछ है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने पूरा टाइम लगा रहा हूँ तसल्ली से, कि जिससे कि आपको और क्वेश्चंस में अगर हम ऑडिट करके साइड में भी निकले तो आपको ये ना लगे कि सर ने कोई चीज स्किप करी है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, निहार को लोन दिया था तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट मेरी कमाई है, और डेबिट हम किसको कर देंगे, निहार के लोन को, एक तरीके से कि हमने उसको लोन में ही ऐड कर दिया कि चल भाई कल को जब तू पैसा देगा तो तू एक काम करियो, अपने जो इंटरेस्ट का पैसा है वो लोन के साथ ही वापस कर दियो। चलो जी सर, अब बात करते हैं क्लोजिंग की, तो क्लोज करना था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला एक्सपेंस था, इसको क्लोज करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट को कर दिया कम, और ये वाली क्या है, इनकम है, तो इनकम को क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे बात समझ में आ गई है, नहीं आ गई, यस सर। तो यहाँ तक तो थी चार्जेस वार्जेस वाली एंट्री, अब हम डिस्कशन करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझो, अब हम डिस्कशन करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाली एंट्रीज की, किसकी डिस्कशन कर लेते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला। लेकिन उसने बोला था जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पीएनएल, तो अगर आप की वाली एंट्री ना भी बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, जनरल एंट्री बनाओ प्रॉफिट को बांटने की, बताओ सारे बच्चे, यानी कि जनरल एंट्री यहाँ से बाद की बनानी है, प्रॉफिट निकलने के बाद की बनानी है, बट मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सारी बातें समझा दी है। ठीक है बच्चों, जी सर, आप बताइए सारे बच्चे, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री मांग रहा है, वैसे अदरवाइज पूरा क्वेश्चन की एंट्री मांगता तो कैपिटल लगने की भी एंट्री होती, लोन देने की भी एंट्री होती, लोन लेने की भी एंट्री होती, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्वेश्चन क्या हुआ था, शुरू हुआ था, बोलो भाई। चलो जी सर, सभी बच्चे ध्यान से देखो इधर फटाफट, अब देखो इसके इधर देखो बच्चे नोटिंग बाद में, तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल बड़ा सिंपल है, आपके पेपर में जर्नल आ रहा है तो देखो कि कौन से अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्रीज होनी है। अब सबसे पहला काम होता है, मैं पीएनएल को जो मेरा नेट प्रॉफिट होता है, ध्यान से समझो सभी बच्चे, आफ्टर ऑल चार्जेस, जितने भी मेरे चार्जेस होते हैं, इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बताइए इसकी क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ, इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ, नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से मिलता है, बोलो कौन से अकाउंट से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको क्लोज करना है, मतलब पीएनएल से उठाकर कहां भेजना है, पीएनएल बताइए एंट्री क्या होगी, अगर मैं आप ये रहा मेरा नेट प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर दो यहां पर, तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बच्चों घर जाके पढ़ना पड़ेगा, आप समझा दो चीजों को, पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो, आपको चीजें माइंड में अगर रखनी है तो बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है सर, जी सर, नरेशन यही बन जाएगी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। और बताइए सारे बच्चे इसके बाद, हां जी इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, फटाफट बताओ सर, एक एक अप्रोप्रिएशन उठाओ और करते रहो, आप चाहो तो अप्रोप्रिएशन की दो एंट्री बना सकते हो और चाहो तो अप्रोप्रिएशन की सिंगल बना सकते, जल्दी बताओ, दो बनानी है सिंगल बनानी है, फटाफट बताओ, सिंगल बना ले, तो सिंगल बना लेते हैं, सिंपल है, ध्यान से देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार। ठीक है बच्चों, तो सीधा कर दो निहार कैपिटल, अल्टीमेटली सैलरी कहां जानी है, निहार की कैपिटल में, बोलो बच्चों, ठीक है सर, तो सिंपल ही बना दो कि मैंने निहार को सैलरी दे दी है, किस नाम से, निहार की कैपिटल में हमने डाल दिए, बोलो बच्चों। और अगर आप अलग अलग बनाते तो क्या एंट्री बनाते,
पहले आप एक एंट्री बना से सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार, है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल, और उसके बाद फिर इसको आप क्लोज करते। सैलरी को कैसे क्लोज करते फटाफट बताओ, सैलरी पार्टनर की सैलरी है तो पार्टनर की सैलरी को हम कहां पर क्लोज करते, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। डबल एंट्री ये बनती। बोलो बच्चों, तो सैलरी से सैलरी क्या हो रहा है, कैंसिल। सिंपली आप लॉजिकली समझो, अभी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बाद की बात है। तो यहाँ पर आप सिंपली देखो जो प्रॉफिट को कम करा है और किसको दिया है, मैंने इसको निहार को दिया है, तो निहार को मिला है तो उसकी कैपिटल में क्या होगा। ठीक है बच्चों, लाओ ये हम ध्यान रखेंगे। 6 मिनट से स्टार्ट हुआ था और क्वेश्चन नंबर कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 9। एक्चुअली मैं क्या करूंगा इसको ना स्क्रीनशॉट, ऐसे वीडियो एडिटिंग होगी ना तो वहां पर फोटो डलवा दो तो बच्चे को क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, चलो नहीं बता तो शायद सेकंड की एंट्री बना दो फटाफट बताओ। नरेशन में लिखते हैं ना सैलरी गिवन टू निहार, और बताओ इसके बाद क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, दोनों को दे दो असीम और टू निहार। बात आ रही है समझ में नहीं आ रही, बोलो असीम की कैपिटल और निहार की कैपिटल फटाफट बताओ सारे बच्चे कितना आएगा, 18 और 12। बोलो बच्चों बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है, और यहाँ पर अल्टीमेट मेरा प्रॉफिट कम हो गया। नरेशन में लिख दो आईओसी प्रोवाइड, नरेशन छोड़ना मत, जो काम तुमने करा है वो लिख देना बस, चाहे शॉर्ट में लिख देना कोई नहीं पढ़ता नरेशन, लेकिन खाली छोड़ दिया तो दिख जाएगा, लेकिन सही लिखना है। ऐसा नहीं जो किताब वाली होती है वही छापनी होती है, सिंपल लिख दो आईओसी प्रोवाइडेड सैलरी गिवन, काम चल जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। सर कमीशन की एंट्री बनाते हैं तो कमीशन की क्या एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसकी कैपिटल असीम, तो असीम की जब हम कैपिटल करेंगे, असीम कैपिटल बताइए कितने की आएगी, 19 है। नरेशन में लिख देंगे कमीशन प्रोवाइडेड, नरेशन में हम क्या लिख देंगे, कमीशन प्रोवाइडेड टू असीम। इसके बाद वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, बताइए सारे बच्चे इस प्रॉफिट को हमें बांटना है, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते थे वैसी एंट्री यहां पर होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांटेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस किस को दे रहे हैं, पार्टनर्स को, बताइए सारे बच्चे, तो टू असीम और निहार, तो असीम कैपिटल और निहार कैपिटल। बात आ गई समझिए नहीं आ गई, जल्दी से बताओ, 84,656,400 खत्म कहानी, या नरेशन लिख देना डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, एक एंट्री और हो जाती अगर इंटरेस्ट ऑन रैंक की होती तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती और टू हो जाता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। चलो एक एंट्री और बताया तो अगर होता वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है तो आप सीधा एंट्री बना देते, पार्टनर्स की कैपिटल को कर देते आप डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पी एंड एल। बात आ गई बच्चों समझ, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैंने आपको जर्नल एंट्री का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने दिया है। सर अगर जनरल रिजर्व होता तो क्या एंट्री, जो मर्जी बनाते रहो, अगर जनरल रिजर्व बना रहे होते तो कोई बड़ी बात थोड़ी थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल। समझ में आ गई बात, इस क्वेश्चन में मैंने आपके कम से कम 32 मिनट लगाए हैं बट बहुत बढ़िया चीज आपको कर दी है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए। एक हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, बातें नहीं फटाफट आ जाइए बच्चों, पेज नंबर 2.17 पर है। ठीक है देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओवरव्यू करेंगे हम। Aman and Boman are partner sharing profits equally. Business is carried from them from the property owned by Aman on a yearly rent of 24,000. Underline कर लीजिए, yearly rent कितना pay करना है, 24,000. Aman is to get a salary of 1,20,000 per annum and
Woman needs to get commission of at 5% of net sale, which during the year was 30 lakh. यानी कि सेल है हमारी 30 लाख की, ठीक है. Profit for the year ended 31st March before providing for rent. Rent दिए बिना was 5 lakh. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम ओरली करेंगे. सभी बच्चे ध्यान से समझो. तो पहले यहाँ पर 5 लाख का प्रॉफिट लेंगे, इधर देखो इन इनर कॉलम में, इस 5 में से हम क्या माइनस कर देंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और चार्ज हमारे पास क्या है, रेंट, क्योंकि प्रॉफिट देना ही देना है. और रेंट कितने रुपए का, 24,000. 5 लाख में से 24,000 माइनस करा है तो ये 4,76,000 आ गया. अब जो जो एप्रोप्रिएशन है वो सारी डेबिट में डाल दो. अब अगर आप क्वेश्चन में चलो तो अमन को सैलरी मिल रही है, टू अमन सैलरी 1,20,000, बोमन की कमीशन, टू बोमन कमीशन 30 लाख का 5%, 1.5 लाख. बस सिंपल क्वेश्चन खत्म, और कुछ है ही नहीं हमारे पास. तो हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है बच्चों, तो इस पर आप निशान लगा लीजिए. CWO A का निशान लगा सकते हो. A का मतलब होता है ऑडिट करना. A का मतलब क्या सर, हमने इस क्वेश्चन को क्या करा है, ऑडिट करा है. आगे की हम चर्चा करते हैं. इसके बाद हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 10. जल्दी से आओ फटाफट. इसके बाद हमारे पास कौन सी इलस्ट्रेशन है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ो फटाफट एक बार जल्दी से. इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. कहता है X and Y started business first April 19 with capital 5 lakh. As per बातें मत करो. As per the partnership deed, both X and Y are to get monthly salary. Underline कर लो, monthly salary of 10,000 each and interest on capital of rupees 50,000 each. भाई सब कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ तो कैलकुलेट करके दे दिया. चाहिए क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखी है 3,000 और 5,000. ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस. अंडरलाइन कर लो बच्चों. भाई साहब यहां से क्वेश्चन बढ़िया बन गया. फर्म को क्या हो गया, लॉस. जर्नल एंट्री बनाओ, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बच्चों एक बात बताओ, कोई खास बात ऐसी है नहीं. इधर देखो सारे बच्चे, जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में क्या आएगा, नेट लॉस. डेबिट साइड में क्या आएगा, नेट लॉस. क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्या कोई appropriations करनी है हम लोगों को, बोलो. लेकिन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है क्या पता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ज्यादा हो, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए. वैसे ऐसा कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खाली 8,000 रुपए की है और लॉस है 2 लाख का. इधर देखो तो 2 लाख का लॉस, 8,000 रुपए का क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फिर नेट लॉस को बांट देंगे, किसको दे देंगे, पार्टनर्स को. क्या कोई appropriations करेंगे हम लोग, बोलो. इस क्वेश्चन में कोई भी appropriation नहीं कर पाएंगे हम लोग. सिंपल सी बात है सर, जो है सैलरी का कोई सीन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई सीन नहीं बचेगा. रीजन बीइंग एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट है तो देंगे, अदरवाइज नहीं. तो एक बार आप सभी बच्चे पहले इसके सॉल्यूशन पर नजर डालिए फटाफट. जी सर, हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डेबिट साइड में हम लोगों को दिख रहा है नेट लॉस, क्रेडिट साइड में आईओडी. और ठीक है सर, बोलो बच्चों. अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री की. बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा, फटाफट बताओ सारे बच्चे. लॉस को ट्रांसफर करने, इधर देखो यहां से बनानी जर्नल एंट्री सीखो. लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर. आईओडी की एंट्री में सिखा चुका हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन. ये बताया मैंने आप लोगों को, अरे बोलो यार. और नेट लॉस को बांटने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ए और बी डेबिट और टू कौन से अकाउंट से बट रहा है लॉस, टू पीएनएल. समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? चलो जी सर, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है. इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कौन सा, आपकी बुक के हिसाब से करा रहा हूँ. हो सकता है पिछली बार मैंने थोड़ा आगे पीछे कराओ, इस बार हम आप बुक के हिसाब से आपकी कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं. अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट कराएंगे, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट. ठीक है, ड्राइंग्स भी दो तरह की होती है. अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर. जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपके पास जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो आपकी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट से, तो क्या होगा, फटाफट बताओ. पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है ये बताओ आप सभी बच्चे. भाई साहब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये.
मेरे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि मेरे पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, ठीक है सर। मुझे देनी है सैलरी, मुझे क्या करनी है, सैलरी देनी है, ठीक है सर। सैलरी ए और बी को देनी है, मान लो 1.5 लाख, और चलो 1.5 और 1.5 लाख बोल देते हैं, 3 लाख रुपए होगा, ठीक है। और मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है, ए और बी को देना है। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है उनको 2 लाख और 3 लाख। बात आ रही है, समझ ही नहीं आ रही। अब मुझे बताओ क्या मैं ये दोनों चीज प्रॉपर तरीके से दे सकता हूं? लॉजिकली सोचो आप, मुझे जवाब दो सारे बच्चे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है उस प्रॉफिट में से मैं ये दोनों चीज दे सकूं, पूरी पूरी दे सकूं? बोलो, नहीं आई बात समझ? ये कौन सा केस है? व्हाट आर एप्रोप्रिएशन, बताओ। क्या समझाया था मैंने एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स बाय डिफरेंट नेम्स। मैं प्रॉफिट को ही बांट रहा हूं अलग अलग नामों से। प्रॉफिट को मैं सैलरी के नाम से दे रहा हूं, प्रॉफिट को मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे रहा हूं। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, खुद बुद्धि लगाओ। जब ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, जैसे मैं आपको बोलूं यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो आप कभी अपनी फैमिली से बड़े हो ही नहीं सकते। बोलो भाई, क्योंकि अगर आप बड़े होगे तो अल्टीमेटली आपकी फैमिली क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली का क्या हो, हिस्सा। बात आ रही है समझ में सर? अगर हम अलग हो जाए तो चलो वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी फैमिली के तो पार्टी रहोगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि 5 लाख का प्रॉफिट है तो आपकी एप्रोप्रिएशंस, इधर समझो सारे बच्चे, आपकी एप्रोप्रिएशंस मैक्सिमम कितने रुपए की हो सकती है? फटाफट बताओ, आपकी एप्रोप्रिएशंस मैक्सिमम कितने की हो सकती है? 5 लाख। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ केस, यानी कि यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि ये है, दिस इज अ केस ऑफ, ये आपका केस है एप्रोप्रिएशंस जो है वो आपकी मोर देन है, और किससे मोर देन है? आपकी अवेलेबल प्रॉफिट। अगर आईओडी वगैरह होता तो आपको आईओडी पहले यहां दे लेते और फिर आईओडी को मर्ज करके और फिर देखते। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? क्योंकि आईओडी बिजनेस के लिए क्या होती है? कमाई होती है, ठीक है सर। बात तो आ गई आपकी समझ। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या करें? सॉल्यूशन बताओ। आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर एक काम करो, ये जो नेट प्रॉफिट 5 लाख का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5 लाख की है, एक काम करो 5 लाख दे दो, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी रहने दो। बताओ क्या ऐसा हो सकता है? जल्दी से बताओ, ऐसा नहीं होगा, ध्यान से समझो। क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिल रहा है, देखो बी को क्या मिल रहा है, ज्यादा, ए को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो हो सकता है एक ऑब्जेक्शन क्या उठाएगा, ए उठाएगा, ए कहेगा कि भाई एक बात बता, तू सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? सैलरी तो हम दोनों की क्या थी, बराबर थी। वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी तो रख सकते हैं, एक काम करो पहले 5 लाख में से तुम 3 लाख क्या कर दो, सैलरी दे दो। बोलो, और जो 2 लाख बचे उसको फिर उसमें दे दो, इस रेशियो में दे दो। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड करें कि खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं या खाली क्या दे देते हैं, सैलरी। बोलो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई एक दे दे क्योंकि हमारे पास अमाउंट कम है। तो बच्चों इस वाले केस में आपको क्या करना है, इन दिस केस आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपनी कैलकुलेट, आप अपनी ऑल एप्रोप्रिएशंस, जितनी भी आपकी एप्रोप्रिएशंस है उनको कैलकुलेट कीजिए। स्टेप नंबर 2, जल्दी से बताओ, इन वर्किंग नोट आप बोल सकते हो, मेन में मत कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 2, मेक रेशियो ऑफ, क्या करो बच्चों बताओ, रेशियो बनाओ ऑफ ऑल अबव एप्रोप्रिएशन, जो भी आपकी एप्रोप्रिएशन आई उसका रेशियो बनाओ। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जल्दी से बताओ। स्टेप नंबर 3 में सिंपल है, डिवाइड कर दो, डिवाइड द गिवन नेट प्रॉफिट, जो गिवन नेट प्रॉफिट है इसको आप डिवाइड कर दो इन एप्रोप्रिएशन रेशियो, इन एप्रोप्रिएशन रेशियो, जो आपको कौन से स्टेप में मिली है, स्टेप नंबर 2 में मिली है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो, नहीं आया तुम्हारी समझ? अब एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले एप्रोप्रिएशन निकाल लो,
तो अप्रोप्रिएशन बताइए हमारी कितनी है, सैलरी कितनी है टोटल, जल्दी से बताओ। सैलरी है सर जी 3 लाख की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है, 5 लाख। जी सर, मेरी अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नेट प्रॉफिट से। तो भाई साहब करना पड़ेगा, रेशियो बनाओ अप्रोप्रिएशन का। तो सैलरी और आईओसी का रेशियो बनाओ, सैलरी और आईओसी का रेशियो बनाओ। बताइए क्या रेशियो बनता है, 3:5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर 8 रुपए का प्रॉफिट होता, कितने का प्रॉफिट होता, 8 का, तो 8 में से 3 रुपए किसके लिए जाते, सैलरी के, 5 रुपए किसके लिए जाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ सारे बच्चे, इसको बांट देते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये थोड़ा कट जाए पूरा पूरा, वो कर लेता हूँ, 4,80,000 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 8 से पूरा कट जाएगा, आसानी हो जाएगी। अब बताओ सारे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं इधर देखो, डिवाइड द गिवन नेट प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएशन रेशियो। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितने का है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, 4,80,000, ठीक है। तो बताइए इसके हिसाब से सैलरी कितनी चली जाएगी, इस 4,80,000 में से जो सैलरी चली जाएगी वो 3/8, यानी कि 8×6=48, 1,80,000। बोलो भाई, और सैलरी के अलावा दूसरा क्या बच रहा है, आईओसी, आईओसी कितना चला जाएगा, 4,80,000 इंटू में 5/8, तो 8×6=48 और 3। समझ में आएगा कि नहीं? तो एक तरीके से एक सॉल्यूशन निकल कर आया कि भाई देखो प्रॉफिट कम था, ठीक है प्रॉफिट जरूर कम है, बट उस प्रॉफिट में से हम सैलरी इतनी दे पाएंगे और उस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी दे पाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाएगा, क्योंकि जिस रेशियो में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था उसी रेशियो में हम दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देना, इस केस में जब मैं आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, इसको आप बेस ले लो। देखो यहाँ पर, इधर अगर मैं यहाँ पर आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले बाय पीएनएल लिख दूंगा, नेट प्रॉफिट 4,80,000 मैंने ले लिया, जी सर, और वो सारे चार्ज वगैरह माइनस कर लेना, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइव कुछ होगा तो उसको क्या कर लेना, प्लस कर लेना, कभी सोचो कि खाली वही बांटना, बोलो यार, ठीक है। अब यहाँ पर बनाइए, तो आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, तो आपने ऐसे काम करा कि आपको पता चल गया कि यू हैव टू कीप सैलरी, आपने वर्किंग नोट में निकाल ली कि सैलरी आपको 1,80,000 देनी है और आपको क्या देना है बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 3 लाख, ठीक है सर। तो टोटल बन गया 4,80,000। वैसे आपके पेपर में इतना ही है, मतलब इतने ही आपके क्वेश्चंस वगैरह हमने देखे हैं, बट मैं हर बार बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा ही समझा देता हूँ। अब बताइए सैलरी में जब ए और बी की आपस में बातचीत हो रही थी तो ए कितना मांग रहा था, बी कितना मांग रहा था, अरे बोलो यार, ए की सैलरी कितनी बन रही है, 1.5 लाख, और बी की सैलरी कितनी बन रही है, 1.5 लाख। तो इसका मतलब क्या है, चलो मैं 1.5 की जगह इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको सही लगेगा, फिर आपको थोड़ा लॉजिकली समझ में आएगा। 2 लाख और 1 लाख कर देता हूँ, टोटल सेम रहा। अब बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ सारे बच्चे। भाई साहब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती तो ए के पास जानी थी 2 लाख और बी के पास जानी थी 1 लाख, लेकिन पूरी सैलरी ही कितने की मिल रही है, 1,80,000। क्यों 1,80,000 की मिल रही है, क्योंकि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है। बोलो हाँ या ना, जब सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है तो हमारी मजबूरी बन गई, मजबूरी बन गई तो क्या करें। अब हमें इस 1,80,000 को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की सैलरी के रेशियो में बना देंगे। बोलो yes, तो सैलरी ऑफ ए और सैलरी ऑफ बी, तो यह आ जाएगा 2:1 का रेशियो बन जाएगा, और यानी कि 1,80,000 डिवाइड बाय 3 यानी कि 60,000 और ये 1 लाख। आई बात समझ गए? बोलो yes, वैसे ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी मैंने आपके लिए बना दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, वैसे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था 5 लाख, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं था तो वो कितने में मान गए, 3 लाख में, प्रॉफिट के हिसाब से 3 लाख में मान गए, लेकिन आपस में थोड़ी मान जाएंगे। बोलो यार, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, चल यार बी एक काम कर तू ही ले जा, ऐसा कुछ थोड़ी होगा। बोलो yes, तो ये दोनों फिर किसके पास जाएगा, ए और बी के पास, किस रेशियो में जाएगा, आईओसी का जो रेशियो है ए का और आईओसी का जो रेशियो है बी का, 2:3। तो 2:3 में बांट दीजिए, फटाफट बताओ, 5 लाख का 3 लाख का 2/5, 5 के बांटे में 6, 1,20,000 और 1,80,000। तो ये क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया
जिसमें आपकी ओवरऑल एप्रोप्रिएशन, ओवरऑल एप्रोप्रिएशन मोर देन थी, किससे मोर देन थी, अवेलेबल प्रॉफिट से, हाँ है ना? और इंटरनल भी मैंने बनवा दिया अप्रोप्रिएशन, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके के केस में आपको इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना, ठीक है? तीन चीजों में तो तीन रेशो बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं, तीन रेशो बन जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो कैलकुलेट और पहले ये अप्रोप्रिएशन इन वर्किंग नोट में निकाल लो, सैलरी और आईओसी ये ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से, फिर मेन रेशियो रेशियो बना दो, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है बच्चों? चलो जी नोटिंग कर लीजिए फटाफट से बच्चे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं। वैसे आपको ये घर से करनी है। अजय और विजय पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 20 लाख एज हिज कैपिटल। विजय इज अ वर्किंग पार्टनर, द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर। अंडरलाइन कर लीजिए सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर। सैलरी बिल्कुल दी जा रही है, लेकिन किसको दी जा रही है सैलरी? वर्किंग पार्टनर को, ठीक है सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की जब हम डिस्कशन करते हैं प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 80,000, ठीक है सर? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन को जब आप करोगे आप सभी बच्चे, तो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें ऐसा है ही क्या। ध्यान से समझना सारे बच्चे, इसमें आप लोगों को ऐसी फील आएगी कि ऐसा इस क्वेश्चन में है ही क्या। बातें नहीं करनी है किसी बच्चे को, प्लीज कंसंट्रेट करो। तो जब आप पेपर में करने जाओगे तो आप शायद पता नहीं इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ भी पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे। बातें मत करो भाई यार, प्लीज एक बार बताओ सर आप कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि आपका एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, आप इस चीज को पकड़ पाओगे या नहीं। तो पहले तो आप लिख देना यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जल्दी से बताइए बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, फटाफट बताओ। 80,000 नेट प्रॉफिट है, 80,000, ठीक है? अब सभी बच्चे ध्यान से समझो, कई बार क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो कैलकुलेशन वर्किंग नोट में कर लीजिए सो दैट कि यहां पर फाइनल सॉल्यूशन जाए। बताइए क्वेश्चन कहता है PSR 3:2 का है, अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर 20 लाख की कैपिटल, विजय वर्किंग पार्टनर, पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% एंड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। बताइए वर्किंग पार्टनर, ओ भाई बातें मत करो वरना पिटाई हो जाएगी अब आप लोगों की, सारी सब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती है। क्लास लेनी है लो, नहीं लेनी तो घर जाओ। हाँ जी सर, सैलरी मिलेगी वर्किंग पार्टनर को। अब एक बार बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका बनता है, लॉजिकली देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है अजय का, क्योंकि अजय ने पैसे लगाए हैं 20 लाख रुपए। अजय नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने पैसा लगाया है, तो वो कहता भाई 20 लाख का 8% मुझे दे दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप लॉजिकली समझोगे तो 20 लाख का 8% भी बन जाता है 1,60,000, और प्रॉफिट खाली पड़ा ही कितने का है 80,000, कहां से दे दूंगा। समझ में आया? तो पेपर में इस पॉइंट को पकड़ना है। और दूसरा पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, ये नॉन वर्किंग है और दूसरा पार्टनर वर्किंग है, क्या नाम है उसका जो वर्किंग पार्टनर है, बताइए विजय। और विजय से क्या डीड के अनुसार क्या बात हो रखी है, विजय वर्किंग पार्टनर, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी और सैलरी देगी एवरी वर्किंग पार्टनर को 8,000 पर मंथ। लो जी, तो 8,000 पर मंथ मतलब मल्टीप्लाइड 96,000। अब मुझे एक बात बताओ आप सभी बच्चे, अगर यहाँ पर बेटा एक बार कई बार ये भी देख लेना कि क्वेश्चन नया तो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन नया स्टार्ट होने का मतलब बिजनेस नया तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि बिजनेस पूरे 12 महीने ना चला हो, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस में बिजनेस आपका कम भी चल सकता है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही, फटाफट बताओ। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस में हो सकता है कि बिजनेस आपका कितने दिन चल रहा हो, 10 महीने चल रहा हो, बिजनेस आपका कितने महीने चल रहा हो, 8 महीने। तो यहाँ पर सैलरी फिर 12 महीने की नहीं मिलकर कितने महीने की मिलेगी, 8 महीने की। बात आ रही है समझ, बोलो बच्चों। जी सर, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है एप्रोप्रिएशन और सैलरी सैलरी भी क्या है एप्रोप्रिएशन। अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 और 9 6 15 2,56,000।
यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि appropriations है वो मोर देन है, किससे मोर देन है, अवेलेबल प्रॉफिट। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ फटाफट सभी बच्चे क्या करेंगे, अगर आपकी अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट, तो क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों इस केस में, इन सच केस या इन दिस केस, अप्रोप्रिएशन रेशियो विल बी यूज्ड, अप्रोप्रिएशन रेशियो को हम यूज करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट। समझ में आ गई बात, बोलो yes, तो बताइए रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन, फटाफट बताओ सारे बच्चे, रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन यानी कि क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का रेशियो बना लो, फटाफट बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने की है, 1,60,000 और सैलरी कितने की है, 96,000, इसका रेशियो बना लीजिए, क्या रेशियो बनेगा, रेशियो बना लीजिए फटाफट, 3 से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 3 होगा, 160:96, बताइए अभी किसके बारे में आ रहा है, 32 ठीक है, 32 आ जाएगा, ठीक है, वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं, तो 5:3 का रेशियो बनेगा, और 5:3 इसको पढ़ना सीख लो, अगर 8 का प्रॉफिट है तो 5 की मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 की मिलेगी सैलरी, अरे बोलो yes, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ पहले 80,000 का कितना कर लो, 5/8 और 2 सैलरी कितना कर लो, 80,000 का कितना, 3/8, बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है, ये डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग सब कुछ अपने आप लिख लेना बच्चों, पेपर में ये सब चीजें लिखनी जरूरी होती है। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पर अच्छी बात है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई पार्टनर के अंदर वो सीन नहीं है, इधर देखो, यानी कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, बस यहाँ सिंपल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना है, अजय को, तो यहाँ पर अजय, अजय के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना जाएगा, सैलरी किसको मिलनी है, विजय को, सैलरी किसको मिलनी है, विजय को, तो विजय के पास कितना जाएगा, 30,000, बात आ गई समझ, बोलो yes, लेकिन अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जनों की होती तो इनर कॉलम की अलग से वर्किंग नोट में निकालते और उस 50,000 को इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में क्या कर देते, ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया yes, sir. जी सर, ये क्वेश्चन इस पे सीधा तो निशान लगा लीजिए सभी बच्चे, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। सर आज आप हमें कुछ होमवर्क दे रहे हो, जी बच्चों, तो आप ऐसा करना कुछ होमवर्क जरूर ट्राई करना सभी बच्चे, जो भी करा रहा हूं उसको अच्छे से लेकर चलना सभी बच्चे, होमवर्क जरूर ट्राई करेंगे, साथ साथ चलो, ना ज्यादा दिक्कत आएगी ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे आपके होमवर्क में 7 से लेकर 12 तक है, ये तो सिंपल है इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसा कोई बड़ी बात है ही नहीं, होमवर्क 7 से 12 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है सर। जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बात करेंगे तो हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14, 15 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 मतलब आपके आंसर निकलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मजा भी आएगा, ध्यान रखना इसमें ऐसा कुछ बात है ही नहीं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाएं आराम से हो जाएंगे। 18, 19 ठीक है, बस एक क्वेश्चन है मैनेजर कमीशन वाला और वो है क्वेश्चन नंबर 15, तो आप सब बच्चों को ध्यान रखना है मैनेजर कमीशन है, या तो उसके लिए पीएनएल बना लेना, पीएनएल के डेबिट में डाल देना, और पीएनएल बनाने का मन नहीं है तो क्या करना बच्चों, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होगा उसी में से क्या कर देना, तो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही मिलेंगे, अभी धीरे धीरे मतलब ठीक चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद सारे जो टॉपिक्स हैं थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिर एक टॉपिक दो टॉपिक आपको बड़े मिलेंगे, कौन कौन से बताओ, एक मिलेगा पास्ट एडजस्टमेंट और एक टॉपिक मिलेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना फाउंडेशन अपनी कमजोर मत होने देना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स की कवरेज भी अच्छे से लिखवा भी रहे हैं, तो ये सफिशिएंट कवरेज है। अगर आप इतना भी अच्छे से कर लोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, थैंक यू, पकड़ो।